तो फाइनली आज हम लोग शाहीन के बर्थडे में हम लोग आए हैं स्नो वर्ल्ड, और यहाँ का टिकट है 600 रुपीज़ पर पर्सन। तो अब हम लोग आए हैं, हमने कहा इसी गर्मी के मौसम में स्नो वर्ल्ड से अच्छी जगह कुछ नहीं होगी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ठंडा है, और 15 मिनट पहले एंट्री होती है। 9 बजे से अपना है 9 to 9:45, 45 मिनट रहता है, लेकिन अपना 15 मिनट पहले लाइन में लगना होता है। ड्रेसेस देते हैं, सो हमारे साथ हमारे नेफ्यूज़ हैं, दीदी है, तो इतने सब लोग हैं। सो अब हम लोग चलेंगे अंदर और आपको दिखाएंगे स्नो वर्ल्ड। किल्लू भैया भी आए हैं, राया सो चुकी है, और इतनी लाइन है। तो कुछ पता नहीं है, सो अपनी लाइन चल चुकी है। तो हम लोग अब अंदर चल रहे हैं और बताते हैं, यहाँ पे भी कपड़े चेंज होते हैं, एक बार हम आ चुके हैं तो अभी कपड़े चेंज करेंगे, वार्म क्लोथ्स मिलेंगे, और फिर हम लोग अपना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। टिकट चेक करा ले, टिकट का तो ये सब क्लोथ्स है, ये मिले हैं क्लोथ्स, ये शूज़, और ये पहनना है, और जैसे लाइन दिख रही है वहाँ से मिलता जाता है, और हम लोग ये पहन के फिर निकलते हैं। और आर्यन पहन चुका है ये, इसको सबसे ज़्यादा एन्जॉयमेंट है, और ये फर्स्ट टाइम है इसका। अभी शाइन पहनेगी, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसको। तो ये है इसको वॉल, और हम लोग आ चुके हैं, और भाई बहुत ही ठंडा हो रहा है, तो साफ हो चुका है और बहुत ही ठंडा लग रहा है, और ये है बर्फ, बहुत ही -10 डिग्री टेम्परेचर है, और सब चीज है यहाँ पे खेलने के लिए। तो हम लोग हैं, हम लोग इसको वर्ल्ड पे हैं, और बहुत अच्छी देख रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट प्लेस है, और बर्फ का मजा लेना है और शिमला नहीं जाना है तो आप जरूर इधर आइए, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही मजा आ रहा है इस गर्मी में, तो हम लोग आगे चलते रहेंगे, तो एंजॉय करते हैं और आगे का ब्लॉग दिखाते रहते हैं। ये स्लाइडिंग है, स्लाइड होते हैं वहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट पे कुछ भी करो, स्केटिंग है ये। अब ये देखो, देख जो छोटा बच्चा है ना, वो है चैंगरी, मेरा नेफ्यू, इसकी हालत देखो, चारों काने चेत हो गया है, लेकिन बंदे में दम है। और अपना वाकरा सॉन्ग बन रहा है, थोड़ा डांस हो जाए हमारे साथ, आप लोग भी डांस कर लो। तो ये मैं हूँ, और भाई मेरी तो लिटरली फटी पड़ी, लेकिन मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा चौड़े में बैठा हूँ मैं, लेकिन मज़ा आ रहा है, देखो हम कितना बनी हूँ। तो अब बारी आती शाहीन की, उसका मन नहीं था लेकिन वो करना चाह रही थी, अभी देखना ये कैसे बैठ रही है। अभी देखो हंस रही है, अभी हंसते 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 देखना, अभी ये
थोड़ा नीचे आने दो, अभी देखना तुम लोग। ए आई आई ये रोने लगी, ए रोई। और ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे स्नो बनाते हैं ये लोग, तो यहाँ पे हम लोग डांस कर रहे हैं और शाहिन जा चुकी है, बेबी ब्लू बहुत ठंडा हो गया है, तो हम लोग डांस कर ले थोड़ा मजे ले ले। ये टिल्लू को मजे ले रहे टिल्लू, और ये इग्लू है, तो अब हम लोग मस्ती कर रहे हैं। मेरी हालत देख के लग रहा होगा ये पूरा बाल समेटे हैं, बर्फ है और बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब ठंड है, बर्फ का बना हुआ है। तो इस समय हम लोग कितना टेम्परेचर होगा, कितना टेम्परेचर होगा आज, -10 डिग्री में मजा आ रहा है, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त करके आई वो अंदर ना, अच्छा वो नहीं। तो हम लोगों का ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, अब हम लोग निकलते हैं। थैंक यू सो मच, और गर्मियों के सीज़न में ज़रूर आइए, और ये बर्फ की सिल्ली में ज़रूर बैठिए, बहुत अच्छा लगता है, और अपने नियर बाय स्नो वर्ल्ड में ज़रूर चाहिए, गर्मियों में इससे अच्छी जगह कहीं नहीं होगी, शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका पैसे में आप शिमला का मज़ा बताएंगे, मेरी जीव रुक चुकी है, इसी के लिए बाय बाय, लव यू।